दोस्तों कल यानी 18 तरीक तो सब इंस्पैक्टर दे एग्जाम स्टार्ट हो रहे ने। तो एग्जामीनेशन हॉल विच जाने तो पहला कुछ पॉइंट इन्हां ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन विच मेंशन कीते हुए, इन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल एक बारी समझ लो ते इन्हां दी पालना करना बहुत ही जरूरी है। तुसीं इन्हां पॉइंट्स दी पालना नहीं करोगे तां तुहानूं एग्जामीनेशन हॉल विच एंट्री करन नहीं दिता जाएगा। दोस्तों पहले पॉइंट विच इन्हां ने दस्या होया है कि जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग दा दायरा बना के रखना है। इस तो इलावा मास्क लेके आना है, ग्लव्स जो तुहाडे कोल हैगे आ तां उह पहन के आने ने, ते इक हैंड सैनिटाइजर तुहाडे कोल होना चाहिए है जदों भी आपां एग्जामीनेशन हॉल विच इंटर करांगे। एंड इस तो इलावा जिहड़ा एडमिट कार्ड आपां नूं जारी किया उह लेके जाना है, ते इक आईडी प्रूफ अपने नाल होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए है। तीजे पॉइंट विच कहिंदे ने कि कैंडीडेट सिर्फ उदों अपना अपने मास्क नूं रिमूव कर सकदा है जदों एग्जामीनेशन स्टाफ है वह फोटो मैच करने वास्ते अपना एडमिट कार्ड चेक करेगा। सिर्फ उस टाइम तुसीं जिहड़ा अपना मास्क है वह रिमूव कर सकते हो, उस तो बाद तुहानूं मास्क लगा के ही रखना पवेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में नीचे इन्होंने दिता हुआ वह भी आपां प्रिंट कढ़वा के उसते अपना नाम, रोल नंबर एंड सिग्नेचर वगैरह लिख के नाल अपने एडमिट कार्ड दे लैके जाना है। मीनस इस गाइडलाइन विच कोविड दे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिती गई है, तो इन्हां दी पालना करना भी बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड के नीचे तुसीं देखोगे इस तरह का सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। इत्थे की करना, आपां इसका प्रिंट कढ़ाउणा, कैंडीडेट का नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, तो एग्जाम ऑफ डेट लिखना है, तो सेंटर कितने एग्जाम का वह लिखना, तो नीचे अपना सिग्नेचर करके एडमिट कार्ड के नाल इस नूं लैके जाना है। तो इत्थे एक पॉइंट ध्यान देने वाली गल है, इत्थे इन्होंने मैंशन किया हुआ जिहड़ा अपना एडमिट कार्ड है उसते आपां एक ओरिजिनल फोटो नाल छपीनी है। मतलब जिवें ये अपने एडमिट कार्ड की फोटो है, तो इतने आपां एक फोटो होर ओरिजिनल नाल छपे के लैके जानी है। इस तो बाद नीचे लाइन में यह प्रैफर करते हैं कि जिहड़ी एडमिट कार्ड पर फोटो लगी है तुसीं सेम उसी तरह की फोटो ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म से छपियो। एंड कैंडीडेट विदाउट फोटोग्राफ नॉट अलाउड इन एग्जामीनेशन हॉल। इतने इन्होंने मैंशन किया हुआ कि जो फोटो नहीं छपी हुई एडमिट कार्ड पर तो एग्जामीनेशन हॉल में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। तो इतने इन्होंने मैंशन किया हुआ कि आई डी प्रूफ के लिए तुसी पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो वोटर आई डी कार्ड, तो इन्हां नाल अपने कोल एडमिट कार्ड होना चाहिए है, तो यह ओरिजिनल आई डी प्रूफ होने चाहिए ने, फोटो कॉपी इस विच अलाउड नहीं की जाएगी। ई आधार कार्ड इज़ नोट वैलिड, जिहड़ा ई मतलब कि फोटो होंगी अपनी इंटरनेट तो डाउनलोड करके आधार कार्ड की, वह नोट वैलिड इतने इन्होंने मैंशन की हुई है। तो राशन कार्ड तो 10वीं का सर्टिफिकेट भी नोट एक्सैप्टड एज ए वैलिड आई डी प्रूफ इतने इन्होंने मैंशन किया हुआ है। जो एडमिट कार्ड अपने कोल होगा वह सिग्नेचर करके आपू हैंड ओवर करने हैं एग्जामीनेशन सेंटर के, जोड़ा भी उत्थे चैकर होगा मतलब चैक करता होगा एडमिट कार्ड में, उत्थे ही सबमिट करवाना है। तो यह कहें कि कैंडीडेट अपने एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी जरूर करा लेन फ्यूचर विच अपने कोल रखने वास्ते। लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की सैनिटरी या कोई टेक्सटुअल मटीरियल, प्रिंटेड या रिटन नोट्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। इस तो अलावा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, जो भी पेजर पूजर होंगे ने, इस तरह का कोई भी डिवाइस आप अंदर नहीं लेके जा सकते। एंड जिमें कि तुम्हें पहले मैं दसा कि उत्थे किसी भी तरह का ब्रैसलेट, रिंग, ईयरिंग, नोजपिन, चेन कुछ भी आप अंदर, इतों तक कि अपने जो कोई गुट से कोई धागा बन्या है उस तरह के भी कुछ भी जोड़ा भी अपना साजो समान है वह आप अंदर नहीं लैके जा सकते, सारा कुछ यह बाहर ही रखवा देंगे ने। इस अलावा कोई भी खाने योग्य चीज़ नहीं लैके जानी, कोई भी वाटर बॉटल नहीं लैके जानी। जोड़े ये मेन मेन पॉइंट्स एक बार मैं तुम्हें समझा दिते, हूँ इन्हों पर गौर करो, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट ने वह अज ही कंप्लीट कर लो क्योंकि कल तो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सब इंस्पैक्टर का स्टडी मटीरियल रिलेटेड जो तुम कोई भी PDF बाय करना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल करके फिर तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय कर सकते हो।